वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज आपको हम बताएंगे माइक्रोटेक 1115E2+। माइक्रोटेक दोस्तों ये हाइब्रिड की पीसी बोर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों इसकी जो फॉल्ट है, इसकी आउटपुट हाई वोल्टेज निकल रही है, यानी कि 350 के आसपास वोल्टेज यहाँ पे मिल रहे हैं। देख सकते हैं आप, 346-47 वोल्ट आउटपुट मिल रहे हैं। दोस्तों कस्टमर का कंप्लेंट था, घर के जितने अप्लायंसेस सभी से जो कि बंट हो गए यानी जल गए। दोस्तों ये क्या फॉल्ट हो सकता है इसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक रिले देख सकते हैं छोटी वाली, मैक्सिमम वो रिले ख़राब होने पर होता है। तो फ्रेंड इसमें जो रिले लगा हुआ है उस रिले को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पीसीबी बाहर निकाल लेते हैं। पीसीबी निकालने के बाद में देख सकते हैं छोटी वाली जो रिले है, इस रिले को हम लोग निकालेंगे। निकालने के बाद में हम लोग चेक करेंगे। दो कनेक्शन होते हैं, एक मीडियम एक हाई आउटपुट के लिए। यहाँ पे ये रिले काम नहीं करने पर भी आउटपुट हाई दे सकता है। दोस्तों हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको रिले को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने पावर सप्लाई से चेक करेंगे, यानी कि 12 वोल्ट की जो पावर सप्लाई चाहिए 12 वोल्ट का रिले चेक करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें 9 वोल्ट पर भी आपको इसको चेक करना है, 9 वोल्ट पर ये रिले काम कर देगा नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे। और यहाँ पे एक टाइम से देख सकते हैं, टाइम से ख़राब होने पर भी ये होता है। तो रिले को निकालेंगे, फर्स्ट चेक करेंगे, उसके बाद रिले अगर ओके रहेगी तो टाइम स्टार को भी हम लोग चेक करेंगे, जो कि NPN ट्रांजिस्टर है इसमें। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे रिले को बाहर निकाल दिए हैं, तो कुछ इस तरह हम सप्लाई देंगे और इसमें 9 वोल्ट हम लोग देंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं साउंड बिल्कुल नहीं है। तो इसमें रिले की जो आवाज़ होती है कट कट, वो कट कट की साउंड इसमें नहीं हो, साउंड नहीं हो रही है। दोस्तों जब हम लोग नई रिले लगाएंगे तो इसमें कट कर की आवाज़ करनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे ये जो रिले है कट कर की आवाज़ बिल्कुल नहीं कर रही है, यानी कि ये रिले ख़राब है। तो हम लोग यहाँ पे रिले चेंज करेंगे। और दोस्तों उससे पहले इसमें जो लगी हुई टाइम है उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, जो हमने टाइम से बताया आपको ये ख़राब होने पर भी होता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं रिले लगा दिए, यहाँ पे वोल्टेज आपका हो गया नॉर्मल, यानी कि 246 वोल्ट यहाँ का आउटपुट ये दे रहा है। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम था रिले का, देख सकते हैं यहाँ पे ये रिले ख़राब होने पर ऐसा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है जो कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। अगर ये ख़राब होने पर भी आपका रिले है जो वर्क नहीं करेगा और इसकी आउटपुट वोल्टेज हाई होगी। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले इसमें ये रिले को ओपन कर लीजिएगा, रिले निकाल लीजिएगा। रिले निकालने के बाद में रिले की जो कोयल होती है 1A2, ठीक है, उसमें हम लोग सप्लाई देंगे। दोस्तों अगर 12 वोल्ट की ये रिले है, इसमें आपको 12 वोल्ट नहीं देकर इसमें 9 वोल्ट देना है, यानी कि 9 वोल्ट देना है इसमें। 9 वोल्ट देने के बाद में आपको जो कि इस रिले का कोयल जब काम करेगी तो इस पर इसकी जो NC, NO और कॉमन होता है वो आपस में काम करेगी, यानी कट कट की आवाज़ करेगी और हेल्दी आवाज़ करेगी। तो समझ लीजिए कि आपका रिले ओके है, या फिर रिले की जो है सप्लाई देकर आप रिले के पॉइंट को भी आप चेक कर सकते हैं अलग से मल्टीमीटर से। यानी कि डिफ़ॉल्ट में आपका जो है कॉमन से NC में कनेक्शन रहेगा, जैसे आप इसमें सप्लाई देंगे अलग से तो आपका जो है कॉमन आपका NO में ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप रिले का चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें आपका जो है मैक्सिमम प्रॉब्लम मिलता है रिले का, तो रिले यहाँ पे ख़राब था, हम रिले चेंज कर दिए और ये हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम मिलने से ऐसा आपको जो है रिले चेंज कर देनी है। रिले बिल्कुल आवाज़ ना करे आपको जो है कि 9 वोल्ट देने पर, तो आपको रिले चेंज कर देनी है। और जब रिले चेंज कर देंगे तो इसकी आपको वोल्टेज हो जाएगी नॉर्मल, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको वोल्टेज है 240 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आउटपुट है, यानी कि ये नॉर्मल हो गया। इसमें प्रॉब्लम था आपका जो है कि रिले का। दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए।